और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, हम में से सभी के पास लगभग टू व्हीलर होगा, आप में से कितने लोग हैं जो उस टू व्हीलर को सारा दिन किसी भी गिवन डे सिर्फ और सिर्फ पहले गियर पर चलाना पसंद करेंगे? सोच के बताइए। ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि Realme 3 Pro को लेके जो टेस्टिंग चल रही है, आई थिंक इट हैज एक्सीडेड इट्स लिमिट। जैसे कि आप जानते हैं कि आप कभी भी पहले गियर पे पूरा दिन स्कूटर हरदम नहीं चला सकते या टू व्हीलर नहीं चला सकते, क्यों? आप भी जानते हैं कि उससे इंजन को नुकसान होगा, क्लच प्लेट्स भी खराब होंगी एटसेट्रा। सिमिलरली जब हम टेस्टिंग करते हैं तो आई थिंक हमें कुछ सिनारियोस ऐसे पिक करने चाहिए जो कि रियल लाइफ सिनारियो हो। अभी मैं कुछ रिसेंटली वीडियोस देख रहा था, छत पर जाके हेलमेट वगैरह पहन के टेस्टिंग की जा रही थी। रियल लाइफ में आप में से कौन कौन ये ट्राई करेगा? टिल द टाइम इट्स जस्ट फॉर द फन, अच्छा है, लेकिन इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहिए कि आप फोन खरीदें ना खरीदें। सी दोस्तों, अगेन ना रियलमी मेरे घर की कंपनी है ना शॉमी, बट आई थिंक आज की डेट में कंपनियां बहुत एफर्ट्स डाल रही हैं कि हमें कम से कम रेट में बहुत कुछ दिया जाए, चाहे वो शॉमी हो जो IMX 586 लेके आया, जो कि ऑनर जैसी कंपनी 37-38 हज़ार के फ़ोन में देती है, चाहे वो Realme 3 Pro हो जो 60 का कैमरा सेंसर प्लस वो चार्जिंग आपको 16,000 से कम में अवेलेबल करा रहे हैं। तो आई थिंक जो हम टेस्टिंग करते हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। हाँ, ऐसी टेस्टिंग आप कीजिए, फन एलिमेंट के लिए कीजिए, लेकिन ऐसी कंक्लूजन ना ड्रॉ कीजिए कि हम ये फ़ोन नहीं लेंगे या इस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हमने किया है Realme 3 Pro का 4K रिकॉर्डिंग टेस्ट। हमने लगभग एक घंटा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करी फ्लैश के साथ भी, और हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में टेम्परेचर कितना गया। सो मैं अभी कुछ रिजल्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, बट आप वीडियो देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हर्ष होता है, आप देख रहे हैं फॉर लव गैजेट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और तो और जो हमारा गिवअवे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इंस्टा पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें फॉलो जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम अब हीटिंग टेस्ट ऑन करते हैं। लेफ्ट में आप देखेंगे हमने टेम्परेचर गेज रखा हुआ है, फिलहाल रूम टेम्परेचर है 33.8 डिग्री सेल्सियस। एयर कंडीशनर ऑन नहीं है, आप देख सकते हैं फ़ैन चल रहा है। अगर आप यहाँ फोकस करें, यू विल सी द ब्लेड्स ऑफ द फ़ैन। टेम्परेचर गेज इसलिए क्योंकि कई बार मैंने देखा सब्सक्राइबर्स का कहना होता है कि भाई आपने टेम्परेचर रूम का बहुत ज़्यादा रखा है इसलिए फ़ोन ओवरहीट हुआ, तो दिस इज़ जस्ट टू बी एज मच एज जेन्युइन। ये रही स्टॉपवॉच। हमने यहाँ पे कुछ एक चाबी है मेरे पास, एज इन कुछ कीज़ है, एंड द आइडिया इज़ मेटल हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है, तो हम इनका भी टेम्परेचर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं फटाफट से इन कीज़ का टेम्परेचर ले लेता हूँ। 32.7 आप देख सकते हैं, सिमिलर 32.6। एक बारी हम फोन का भी टेम्परेचर ले लेते हैं। सो 33.2 मैक्सिमम आ रहा है टॉप में और 33 बॉटम में, 32.9 भी चला गया, तो हम उसको 33 ही एक कंक्लूड करेंगे। अगर मैं रियर से टेम्परेचर लूँ फटाफट से, थर्टी थ्री डिग्री टेम्परेचर रियर में है। हम एक बारी फ़ोन को अनलॉक करते हैं। मैं फटाफट से मेमोरी में देख लेता हूँ कोई ऐप है या नहीं, फ़िलहाल कोई ऐप नहीं है, और हम एक बारी CPU-Z भी ऑन करेंगे जस्ट टू सी कि बैटरी 40% पे है, आप देख सकते हैं, और टेम्परेचर है 32.4 डिग्री। चलिए कैमरा इंटरफेस में चलते हैं और हमारी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कितना हीटअप होता है, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हमने स्टार्ट कर दी। 4K वीडियो फ़िलहाल 30 FPS तक ही रिकॉर्ड हो पाती है, जबकि Redmi Note 7 Pro पे आप 60 FPS तक जा सकते हैं। वो बात लगे कि उसमें कैमरा लैग होता है तो वो रिकॉर्डिंग आई डोंट थिंक हेल्प करेगी। खैर, इस डिबेट में बाद में जाएंगे। तो फिलहाल हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और ये मैंने स्टॉपवॉच भी स्टार्ट कर दी। वैसे तो यहाँ पे भी टाइमर आपको दिख रहा है, तो लेट्स सी कि 15 मिनट तक टेम्परेचर कितना हाइक होता है, और हम हर 15 मिनट पे रीडिंग लेंगे। लगभग एक घंटे की ये टेस्टिंग होगी और देखते हैं कि ये फ़ोन कितना अच्छा परफॉर्म करता है।
मैं ऑटो फोकस एडजस्ट कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि सबसे बढ़िया लुक या टेम्परेचर हमको व्यू कहाँ मिलेगा. आई थिंक ये ठीक रहेगा. ओके, हमने ऑटो फोकस को भी लॉक किया है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 मिनट अब होने वाले हैं, फ़ोन पर हम टेम्परेचर चेक लेंगे. और यही रीज़न है मैंने चाबियां यहाँ पे इसलिए रखी, क्योंकि अगर कोई कहे कि रूम में एसी चल रहा था इसलिए टेम्परेचर सही से नहीं आया, तो ऐसा नहीं है. देयर इज़ जस्ट अ फैन दैट्स वर्किंग. और आप टेम्परेचर लेफ्ट में देख सकते हैं, इट्स कॉन्स्टेंट. सो जिस रूम में ये वीडियो बन रही है वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होगा. और अगर एसी चल रहा है तो चाबियां भी, जैसे क्योंकि ये मेटल की हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड यू नो कोल्ड, सो इनका टेम्परेचर डाउन जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा. तो लगभग 20 सेकंड और मैं ऑलरेडी महसूस कर सकता हूँ कि फ़ोन थोड़ा सा वार्म हो चुका है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ गया है इसका. इनफैक्ट एक चीज़ जो हमने और चेक करी वो ये कि लैग नहीं था. अगर आप देखें ध्यान से, मैं अभी सब कोई लैग नहीं है. जैसे अगर मैं यहाँ फोकस करता हूँ, जबकि Redmi Note 7 Pro बहुत लैग करता है. और इसी बात पे अब हम चेक करते हैं टेम्परेचर. ठीक है, मैं एक बारी ऑटो फोकस हटाता हूँ. जी हाँ, अब हम चेक करते हैं टेम्परेचर. 42.7 देख सकते हैं, 38 नीचे, और जो मैक्सिमम जा रहा है 42.7 आया था. एक बार रियर से चेक करते हैं, 39.7 और 41. तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम इधर रियर में अगर हम इस तरफ जाते हैं तो 41.3 तक गया है. आई होप रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुई हो. और हम फटाफट से ऑन कर देते हैं. आई होप एक सेकंड के लैग से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन नहीं जाएगा. तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है फिर से. आई थिंक मेरा हाथ लग गया, तो अपॉलोजीज फॉर दैट. बट आई थिंक एक दो सेकंड से आप समझ सकते हैं टेम्परेचर इतना नीचे नहीं जाएगा. एक और चीज़ जो हम रात को पिक्चर बनाते हैं, जस्ट फोकस किया क्विकली, तो आपने नोट किया होगा कि हम फ्लैश भी ऑन कर लेते हैं. कुछ वीडियोज़ में ये रिक्वेस्ट की गई या ये शक किया गया कि फ्लैश ऑन है. तो आप देख सकते थे अभी फ्लैश ऑन नहीं है, लेकिन मैं अभी फ्लैश लाइट ऑन कर रहा हूँ, फिल लाइट को ऑन करूँगा. आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है. अभी आप देख सकते हैं लाइट दिख रही है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था. तो अगेन वी आर ट्राइंग टू बी यू नो एज मच एज जेन्युइन एंड ट्रू टू यू नो रियल, बिकॉज हम Realme 3 Pro टेस्ट कर रहे हैं. हम फ्लैश लाइट लगभग 5-1 मिनट ऑन करेंगे, 5 से 10 मिनट, लेट्स से 10 मिनट मैक्स हम ऑन करते हैं, और देखते हैं कि कितना टेम्परेचर राइज करता है. कुल मिला के अगर मैं वीडियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं लगभग 16.5 मिनट तक की टेस्टिंग हो गई. हमने फ़ोन का थोड़ा सा पहले ऑन किया था, तो लगभग 1 घंटा हो जाएगा बाय द टाइम वी क्लोज दिस टेस्टिंग.
इनफैक्ट मैं चाबियों का टेम्परेचर ले लेता हूँ एक बारी। थर्टी टू पॉइंट एट अगेन। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उसी टेम्परेचर पे अभी हम चल रहे हैं। तो आई बिलीव आपको शायद कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि ये टेस्ट जेन्युइनली किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पे 29.49, और इस बार ध्यान रखूंगा कि रिकॉर्डिंग स्टॉप ना हो, सॉरी फॉर दैट। इनफैक्ट ये भी पता चल जाएगा कि हम 4K कंटिन्यूसली कितनी रिकॉर्ड कर पाते हैं। ओके देयर यू गो। मैं एक बार ये फ़ोन का टेम्परेचर की रीडिंग लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 43। एक बारी नीचे भी रीडिंग लेते हैं। नीचे ठीक है, लेकिन आई थिंक व्हाट मेजरली फोर्टी फोर इज व्हाट वी गॉट एज मैक्सिमम। 44 से ज़्यादा भी नहीं कहीं पे भी। 44.7 ओके। ओके सो वी गॉट आर स्वीट स्पॉट, जी हाँ दोस्तों ये कहते हैं स्वीट स्पॉट, तो वो है ये एरिया। ओके चलिए एक बार रियर में चेक करते हैं, और रिकॉर्डिंग चल रही है आप देख सकते हैं। मैं इस बार ध्यान से इसे पिक करूँगा, मैं फ्लैश ऑफ कर देता हूँ और रियर में भी चेक कर लेते हैं। सब देख सकते हैं कि 42.7, 43, 43.5, 43.7, सो मैक्सिमम 43.7 देखने को मिली। जैसे हम नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है। सो 43.7 इज द मैक्सिमम। चलिए टेस्ट कंटिन्यू करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है आप देख सकते हैं, और एक चीज़ और, कोई लैग नहीं देख सकते हैं, कोई लैग नहीं, बिल्कुल कोई लैग नहीं। हम फटाफट से पिक क्लिक करते हैं, कोई लैग नहीं, वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपने 45 मिनट कंप्लीट कर लिए हैं। आइए चेक करते हैं टेम्परेचर। हम स्टार्ट करेंगे चाबियों से कि चाबी को टेम्परेचर कितना आ रहा है, और मैं एक बार फोकस ठीक करता हूँ। आप देख सकते हैं 32.8, और आप देख सकते हैं फ़ोन का टेम्परेचर देखते हैं। अब हमने सबसे पहले भी यहीं पर ही सबसे ज़्यादा पाया था जहाँ कैमरा आ रहा है, 43.8। जी हाँ दोस्तों 43.8 मैक्सिमम नोट किया गया। मैं फिर भी एक बारी अच्छे से और देख लेता हूँ कि
कुछ ऐसा स्पॉट है जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाए हमें 44 44 भी आया ओके अब एक काम करते हैं रियर साइड से भी टेम्परेचर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि फैन चल रहा है ऐसा नहीं कि फैन ऑफ कर दिया गया था सो मैं एक बारी थोड़ा सा फोन का पोजीशन ऐसे रखता हूँ और फिर एक बारी चेक करता हूँ 41, 42 सो मैक्सिमम हम कहेंगे 42 तक जा रहा है 42.5 था इनफैक्ट सो कंटिन्यू करते हैं हमारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है सो फ्रेंड्स एज़ पर माई फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई एम ऑलमोस्ट एट 59 मिनट्स सो मे बी मैं शायद 2-3 मिनट के लिए और रिकॉर्ड कर पाऊँ तो जैसे ही फ़ोन पे 57 मिनट्स होंगे मैं एक बारी रीडिंग फिर से लूँगा ताकि वीडियो क्लोज होने से पहले यू नो वी गेट टू नो कि भाई व्हाट इज़ द फाइनल रीडिंग तो जैसे कि आप देख सकते हैं 57 हो गए हम फटाफट से रीडिंग्स लेते हैं कि अब क्या रीडिंग है फोर्टी फोर पॉइंट सेवन मैक्सिमम है नीचे और कम क्योंकि यू नो प्रोसेसर इज़ ऑन द टॉप सो जनरली प्रोसेसर से ही हीट एमिट होती है चलिए रियर पे चेक करते हैं 42.8 ओके और जैसे हम नीचे आते हैं तो रीडिंग और कम हो जाती है 42.6 ओके 43.2 एक बारी फिर से टॉप पे चेक कर लेते हैं क्या रीडिंग है 44.2 44.6 सो दोस्तों हम ये टेस्ट यहीं कंक्लूड करेंगे और चलते हैं अब आउटकम की तरफ थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द लव ऑफ गैजेट्स तो लेट्स सी द आउटकम सो फ्रेंड्स ये था Realme 3 Pro का 1 आवर 4K रिकॉर्डिंग टेस्ट हमने नोट किया कि टेम्परेचर राइज हुआ फ्रंट में इट वॉज 44.7 जबकि हमने फ्लैश लाइट नहीं ऑन की थी फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद 45.3 डिग्री गया और मेजरली इट वॉज ऑन द टॉप जहाँ पे हमारा फ्रंट कैमरा है अदरवाइज डाउन बिलो इट वॉज कमिंग कम्प्लीटली फाइन
एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था विद रिस्पेक्ट टू कैमरा ऐप. देर वॉज नो लैग, जो कि आप रेडमी नोट 7 प्रो में बहुत ज़्यादा देखेंगे. फ्लॉलेसली परफॉर्म किया, फोकसिंग वगैरह में कोई इशू नहीं आया. तो आई थिंक अगर आप इससे वीडियोस बनाएंगे आप कभी निराश नहीं होने वाले. एटलीस्ट इस सेट में इशू नहीं आया, बट अगर आपके सेट में इशू आता है तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी का जरूर फायदा उठाइए, उसको रिप्लेस कराइए. या तो आप सर्विस सेंटर जाके उसे फिक्स करा सकते हैं, और ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली टीम से बात कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने 40% से स्टार्ट किया और हमारी बैटरी आ गई 6%, जो कि लॉस था लगभग 34% का. आई थिंक विच इज स्टिल वेरी गुड, नॉट एक्सीलेंट, बट आई थिंक इट परफॉर्म वेरी गुड. सो आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेरी हो तो पूछिए, और तो और फीडबैक दीजिए. मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे फॉर द लव ऑफ गैजेट्स. जय हिंद एंड डू टेक केयर.